सदगुरु देवराम जी महाराज की, सदगुरु सर्वानंद जी महाराज की, सदगुरु शांति प्रकाश जी महाराज की, सब संतन की जय। भगवान शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की जय। सतगुरुं सतगुणाधारम सत्यं शिवं निरंजनम परमानंद पादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमोस्ते रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्ते रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणभ्यः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। लेत सदा सुद दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु सिर सीता राम। सिय सिय सुमिरत राम जो सिय सुमिरत सिय राम। जुगुल नाम राजेश जन भक्त लहै विश्राम। बोलिए सतगुरु देव राम जी महाराज की जय। सतगुरु दरबार में सादर प्रणाम करता हुआ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी
सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामय माताओं, हमारे उपस्थित बाल गोपाल वृंद, आइए भगवान की महिमामय कथा का थोड़ा रसपान करने के पहले चर्चा थोड़ा सत्कीर्तन कर लें। श्री राम जय, राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय, राम जय जय राम, जय जय सतगुरु देवो राम, ओ जय जय सतगुरु देवो राम, जय जय सतगुरु देवो राम, ओ जय जय सतगुरु देवो राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय, राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय, राम जय जय राम, जय जय सतगुरु शांति प्रकाश, ओ जय जय सतगुरु शांति प्रकाश, जय जय सतगुरु शांति प्रकाश, ओ जय जय सतगुरु शांति प्रकाश, श्री राम जय, राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय, राम जय जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा देव की नाई, श्री राम जय, राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय, राम जय जय राम, बोलो सद्गुरु टेव राम जी महाराज। जब द्रबही दीन दयाल राघो, साधु संगत पाई, दरस परस समागमादिक पाप राश नशाई, सभी शास्त्रों ने, सभी धर्म के संतों ने हमको बताया है कि जो है जब बहुत जन के पुण्य उदय होते हैं तब जीवन में सत्संग मिलता है और सत्संग में रुचि होती है। मिलता बहुतों को है पर सत्संग में रुचि नहीं होती है, भजन में रुचि नहीं होती है। बड़े भाग पायब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा।
बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता है। बोले सत्संग से क्या होता है? बोले भगवान की कथा सुनने को मिलती है, भगवान की कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब जब प्रेम उत्पन्न होता है तो उसी प्रेम में भगवान प्रकट होते हैं और विकारों का विनाश होता है और भगवान की भक्ति मिलती है। सद्गुरु टेवराम जी भी किए गए थे, श्रद्धा से सत्संग कर भजन करे निष्काम, कहते हूं ते पाइए अमरापुर को धाम। ऐसे है ना, ऐसे कैसा दुआ है, ऐसे। तो श्रद्धा से सत्संग कर, श्रद्धा से प्रेम से सत्संग मिल जाए, सत्संग में संत मिल जाए, लेकिन संत में श्रद्धा ना हो तो क्या सुना रहा है, कुछ मतलब नहीं। इस कान से सुनेगा उस कान से निकाल दे। देखो रामायण में कथा आती है कि एक तरफ भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में, और उन्हीं के साथ में माता भगवती सती जी भी सुन रही हैं, बैठी हैं पर सुन नहीं रही। एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभजरी सुपाही गए, तो राम कथा मुनिवर जी बखानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। वाह, आज संतों का मिलन हुआ। अब संतों के द्वारा भगवान की कथा सुनेंगे, ये श्रद्धा। सुनाओ महाराज, सुनाया, बड़े प्रेम से सुनते रहे, लेकिन साथ में वहीं माता सती जी बैठी पर सुना नहीं। ऐसे तो बहुत सुनाते हैं लोग, ऐसे कहते जिनको नहीं सुनना है, श्रद्धा नहीं है, रुचि बाबा क्या सुना रहा है, ऐसे बहुत बाबा सुनाते हैं, क्या है। ये है अभिमान, अभिमान सुनने नहीं देता है और श्रद्धा सुनने देती है। वाह, इसलिए सद्गुरु टेवराम जी के श्रद्धा से सत्संग, सत्संग कर सुन लेकिन श्रद्धा से, अभिमान लिए नहीं, अश्रद्धा लिए नहीं, श्रद्धा। और भजन करे निष्काम, निष्काम होके भजन करे, सत्संग करे और सेवा करे। बोले ये तीन ही मनुष्य के कल्याण का, भक्ति का, परप्राप्ति का, ये तीन ही सरल मार्ग है। अपनी इस परंपरा में, जिस परंपरा में बैठे, संत का, सत्संग का, सुमिरन का, सेवा का बड़ा महत्व है, रहा है, आज भी है। और किसी परंपरा में सत्संग ज्यादा हो ना हो, लेकिन जहां मैं जाता हूं, अभी दिल्ली में मलकागंज में अपना आश्रम है, वहां भी दो चार दिन रह के आया, अच्छे भक्त, अच्छे सत्संग, जयदेव जी महाराज बड़े प्रेमी। तो सब जगह जहां भी जाता हूं सत्संग प्राप्त होता है। संतों ने कहा कुछ करो ना करो, भजन करो, तपस्या करो ना करो, लेकिन सत्संग करो। सत्संग अभिमान को छुड़ाता है, सत्संग विकारों को दूर करता है, सत्संग भक्ति भगवान संत के प्रति प्रेम को बढ़ाता है। इसलिए श्रद्धा से सत्संग कर, सत्संग में श्रद्धा हो।
रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज इतने प्रसिद्ध हो गए। बोले क्या किया? सत्संग किया, संतों की सेवा किया, सुमिरन किया, सेवा। राम काज लगी तव अवतारा, असुन तय भयउ पर्वताकारा। सुना कि मेरा अवतार, मेरा जन्म तो रामकार के लिए, राम की सेवा के लिए, सेवा के। बड़े प्रसन्न हो गए और अद्भुत सेवा किया और सत्संग भी सुनते हैं, सुमिरन भी करते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, ओ अपनी बस कर राखे राम। ऐसे सुमिरन किया कि भगवान ही बस में हो गए। भगवान भी बस में हो सकते हैं लेकिन करने वाला हो। संत सदगुरु भी प्रेम के ही बस में होते हैं, धन के बस में नहीं, और किसी कारण से नहीं, केवल प्रेम से। हनुमान जी महाराज ऐसा भजन प्रेम से किया, भगवान भी बस हो गए, भगवान भी उनके अंदर बस गए। और भगवान के बस में हनुमान जी हो गए, हनुमान जी के बस में राम जी हो गए, हनुमान के जी के हृदय में राम जी, राम जी के हृदय में भगवान, ये हनुमान जी। तो कहने का मतलब सेवा, और इतना बड़ा सेवा, कितनी विघ्न बाधाएं संकट दुख सह करके लंका में गए। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, इस बानर को जला दो। हनुमान जी महाराज अपने पूंछ की रक्षा के लिए, बचाने के लिए इधर उधर कूद रहे, महल हटा रही, हाट बाट कोटी ओटी अटनी अगर पौर, खोर खोर दौर दौर दीनी अति आग है, आरत पुकारत संभारत न को काऊ, जहां तहां व्याकुल चले हैं लोग भाग हैं। हनुमान जी तो अपनी रक्षा के लिए पूछ के कहीं बुझाए, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, पर आग जो है चिंगारी गिरती है और महल में अटारियां सब जलती हैं, जल नहीं। वो हनुमान जी गए जब पूछ बुझा करके माता जानकी जी से के पास में, तो सीता माता ने पूछा, हनुमान जी इतनी बड़ी लंका जल गई लेकिन तुम्हारी पूछ नहीं जली, बात क्या है? कुछ जादूगर हो क्या? जैसे जादूगर होते हैं, बड़े बड़े आश्चर्यचकित चरित्र लीला दिखाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, बोलो वैसे। बोले नहीं। बोले बात क्या है? लंके जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौनो सो जादू राजेश भरा, हंस पूछते हैं मिथिले से कुमारी। अब बोले कपि ये राघो है आगे, और पीछे है पूछ रहस्य है बारी, और बानर को भला पूछता कौन, शीरा में के पीछे है पूछ हमारी। हनुमान जी ने कहा मैं जादूगर तमाशी नहीं हूं, बात यह है कि हृदय आगे है और आगे हृदय में राम जी बैठे हैं, और जिनके आगे राम जी हों, भगवान हों, और पीछे पूंछ, तो उसकी पूंछ को कौन क्या बिगाड़ सकता है। रावण ने जलाने की कोशिश किया मेरी पूंछ को, तो पूंछ तो नहीं जली तो लंका जल गई, उल्टी पड़ गई। तो मैं कुछ नहीं किया, पूंछ ने किया है, जिसके अपूंछ माने प्रतिष्ठा। हम भगवान को पीछे रखते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को आगे रखते हैं, हमारा इतना सम्मान, हम इतने बड़े, हमारी जगह जगह पर हमारी पूंछ है, ऐसे लोग कहते हैं।
माने प्रतिष्ठा को आगे करते हैं, पूंछ को आगे करते हैं। कोई कहता हम ऐसा वैसे नहीं है, हमारी सब जगह पूंछ है, हम बहुत बड़े ऐसे, ये पूंछ। और जिनकी पूंछ होती है माने समाज में सम्मान मिलता, वो अकड़ कहते हम ऐसे, हमें क्या समझते हो। और जिनकी पूंछ नहीं वो बेचारे बड़े दुखी होते, हमारी कोई, हमें कोई पूछते नहीं। हमारे घर में बालक ही हमारी बात नहीं मानते, पूछते नहीं, हमें मनमानी करते हैं। ये तो हनुमान जी बोले पूछ तो मेरे बाद में है, भगवान पहले। जो जीवन में भगवान को रखेगा आगे, उसकी पूछ प्रतिष्ठा को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो बिगड़ जाएगा लेकिन उसकी प्रतिष्ठा में आंच नहीं होगी, क्योंकि भगवान आगे हैं। बार न बांका कर सके जो सहाय यदवीर, जिनके भगवान ही जीवन में है, आगे रक्षक है, कौन क्या बिगाड़ सकता है। ओ हनुमान जी बोले मेरी इसलिए समाज में पूछे, एक बानर को कौन पूछे, आदमी को तो कोई पूछता नहीं, संत महात्मा को कोई पूछता नहीं, एक बानर को कौन पूछेगा। अब पूछ इसलिए रहा है कि भगवान है जीवन में। अरे भगवान की भक्ति जो करेगा जीवन में, भगवान को आके रखेगा, वो कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, उसी के समाज दुनिया में पूंछ होगी। भगवान के कारण, धन के कारण नहीं, विद्वता के कारण नहीं, रूप के कारण नहीं, भगवान की भक्ति के कारण। संतों की पूंछ होती है, बोले क्यों, बोले भगवान का भक्त है। राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, असंत न होते जगत में रहते राम निपुत। ये संत गण भगवान के पुत्र हैं, इतने बड़े बाप, जिनका इतना बड़ा बाप, इसलिए पूछो। तू कहने का मतलब है सतगुरु टेव राम जी कह रहे हैं श्रद्धा से सत्संग कर, ये सत्संग आपको कहां पहुंचाएगा, सबसे बड़े ऊंचे स्थान अमरापुर धाम, यानी परमात्मा के पास परम धाम। यद गत्वा न निर्तन्ते तद धाम। एक जगह एक वृंदावन में माधव दास नाम के संत रहते थे पहले, अब चले गए उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में, बड़े अद्भुत संत, अपनी मस्ती में रहते, नदी किनारे कुटिया बना के और मांग करके खाते, दिन में सत्संग भजन बस यही, पांच सात घर में जाते थे और कहते थे मां भिक्षाम दे ही, जो मिल जाए रूखी सूखी रोटी वो लेकर के कुटिया में बड़े प्रेम से खाते, दिन भर भजन करते। पर देखो समाज में सब तरह के लोग होते हैं, दुखी दुखी भी, अशांत भी, संत की निंदा करने वाले, संत की सेवा करने वाले, सब तरह के होते। सात घर में रोज जाते थे पर एक घर में ऐसी माई थी जो संतों से चिढ़ी हुई थी। अच्छा, संतों से ईर्ष्या करती थी। और जब वो संत मांगने के लिए जाते तो गाली सुनाती थी, बोले ये हट्टा कट्टा खाने के लिए मुफ्त में बाबा बन गया है, कमा के नहीं खा सकता, मुफ्त में खाने के लिए बन गया, जा दो चार सुनाती थी। असल उसकी अश्रद्धा क्यों हो गई, बोले बहुत जिन सत्संग किया, सुमरण भजन किया, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। बहुत से लोग होते इतने दिन सत्संग भजन किया, क्या मिला, हमारी एक भी इच्छा पूरी नहीं, छोड़ दिया सत्संग भजन। उसके एक बेटे की शादी हुई, बहुत वर्ष हो गए लेकिन पोता नहीं थे, परेशान कि क्या होता सत्संग, हमारी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई, और संतों को देख के चढ़ते थे। अब वो भी अलमस्त संत, वो भी जाते थे रोज, लोग कहते थे अद्भुत महात्मा है, गाली सुनते हैं और आते रोज। एक दिन किसी ने कहा महाराज उस घर में क्यों जाते, वो माई क्या देती है, हंसते हुए कहा जो वो देती है वो कोई नहीं देता है, जो वो देती है वो कोई नहीं देता।
अरे देती तो है गाली सही, लेती तो कुछ नहीं, देती गाली सही कोई बात, संतों के लिए मान सम्मान, गाली निंदा स्तुति उभय सन बराबर है कोई बात नहीं। एक दिन एकादशी का वृत्तांत, दूसरे दिन जो सुबह सुबह फिर पहुंच गए और उस समय से उस घर में जरूर गए और उस समय ओ माता जी मिट्टी के कपड़े में मिट्टी सान करके और चूल्हे को पोंछा लगाते जिसको पोता बोलते वो कपड़े को, वही जो चूल्हा को मिट्टी में और पानी से सने हुए कपड़े का बोर करके और पोता लगा रहे थे चूल्हा। और इस समय महात्मा पहुंच गए, माता अभी छाम दी और तो अब तो और माता चिढ़ गई ए? आज सुबह सुबह मांगने के लिए, जब चाहो तब मांगने के लिए निकल पड़ते, कमाना धमाना मांग के मुफ्त में खाना बन गए साधु। और एक पोता गुस्सा आया आज तो वो वही पोछा जो लगा रहे थे उठा करके महात्मा माधव दास के मार दिया, हृदय में लग गया छाती। लेकिन संत है मान सम्मान बराबर, क्रोध नहीं। उधर वो तो मार दिया आवेश में आके, लेकिन बाद में पश्चाताप करती है, देखो मैंने बड़े गुस्से में मार दिया लेकिन महात्मा क्रोध नहीं किया, हे भगवान माफ करना। इधर महात्मा माधोदास मन में आशीर्वाद देते हैं, बोले पोता दियो न प्रेम से ऋषि बस दीनो बार, मांगे सी कछु दिया नहीं कीनी तुम अपकार, पोता के बदले तेरे पोता खेले द्वार। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, तूने पोता मारा है पोता मुझे दिया है तो मैं भी तुझे पोता देता हूं, तेरे घर में पोते का जन्म। मांगे से कुछ तो दिया नहीं बल्कि अपमान किया है, फिर भी ये संत मैं जानता हूं क्यों दुखी हो, आपके घर में पोता होगा, आशीर्वाद दे दिया। और महात्मा चले गए, उस पोते को भी ले गए वो कपड़े को, अल्ले जाकर के नदी में धोया, मल मल के कीर्तन करते हुए राम नाम की साबुन लगाए, प्रेम के जल में मानो धोया, अधो के सुखाया, असुखा करके उसके धागे निकाल निकाल के और जो है आरती के लिए बत्ती बनाया, बत्ती बना के घी में डाल के आरती करते हैं। और इधर कुछ दिन के पश्चात महात्मा के आशीर्वाद से घर में पोता हो गया, अब तो बड़ी खुशियां। आसपास की माताएं बहनें आती हैं, सहेलियां आती है, पूछती हैं आपके घर में पोता है, बहुत दिन के बाद कैसे हुआ। अब वो कहती है पोता दियो न प्रेम से, ये महाराज की कृपा से संत की कृपा से, पोता दियो न प्रेम से ऋषि बस दीनो मार, बल्कि उस संत को प्रेम से नहीं दिया था, गुस्से में मार दिया था। ऐसे पुण्यों से सखी पोता खेले द्वार, ऐसे पुण्य से जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। मैं जानती थी कि संतों की ये महिमा, कृपा करने वाले कभी क्रोध नहीं करते, अपकार करने पर अपराध करने पर भी कृपा करते हैं ऐसे संत, तो प्रेम से प्रसाद देती मारती क्यों। लेकिन उन संत की कृपा से आज मेरे घर में पोता खेल रहा है, और प्रेम से देती प्रसाद तो ध्रुव प्रहलाद आते जो भगवान को प्रकट करते हैं और परिवार पवित्र करते हैं, कुल पवित्र करते हैं। क्योंकि जिस घर में भक्त संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा भागवती च धन्य स्वर्गस्थो पितरोपि धन्य एसाम कुले वैष्णो नाम धेयम। उधर वो महात्मा
उस पोते को सुखा करके, और देखो वो कपड़ा मिट्टी से सना हुआ, कीचड़ सना हुआ, वही कपड़ा नहीं है आज, ये शरीर भी कपड़ा है। पांच तत्वों से बना ये सुंदर वस्त्र आपका, बनता बिगड़ता है नहीं, नहीं कुछ बिगड़ता आपका। और ये भी सत्संग से जुड़ जाए, संत से जुड़ जाए, हम भी कीचड़ में, माया के कीचड़ में, वासनाओं के कीचड़ में, विकारों के कीचड़ से सने हुए हम भी ऐसे पड़े हैं। जैसे वो कपड़ा कीचड़ से सना हुआ नाली के पास पड़ा रहता है, सड़ता गलता है, और संत से जुड़ गया तो भगवान के पास पहुंचता है। उसी प्रकार के संसार के कीचड़ में इस मनुष्य पड़ा हुआ है, जीव पड़ा हुआ है, सत्संग में पड़ जाए, संत के शरण में चला जाए तो इसका भी उद्धार हो सकता है। अब वो पोता कहता है, धन्य सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का रंग, धन्य है, बोलो नहीं बोलते, धन्य संतों का सानिध्य सत्संग, ये जीवन ही बदल देते हैं। पोता रोता था पहने पड़ा पात्र के बीच, धर्म अंग अंग गलते सड़ते थे, धर्म कर्म थे नीच, हुआ था जीवन से मैं तंग, धन्य सतपुरुषों का संग, हुआ था जीवन से। उपोता कहता मैं कहां पड़ा था, नाली में पड़ा था, पात्र में पड़ा था, सड़ता गलता था, मिट्टी से पानी सना, मैं जीवन से बड़ा दुखी था, लेकिन आज संत के पास पहुंच गया तो आज तो मेरा उद्धार, जीवन ही बदल गया। निज कर से बना फूल सा गृत में दीनी दार, निज कर से बना फूल सा गृत में दीनी दार, मान सहित मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार, मान सहित मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार, हो गया पूजा का अर्धंग, धन्य सतपुरुषों का संग, हो गया पूजा का अर्धंग, धन्य सतपुरुषों का। महात्मा ने मुझे साफ किया, स्वच्छ किया, फिर मेरे एक एक धागे रोए निकाले और बत्ती बनाया, घी में डुबाया और आरती में भगवान की आरती, मैं भी भगवान का दर्शन कर रहा, कहां नाली में पड़ा कीचड़ में, कहां भगवान का दर्शन कर रहा हूं, और मेरे प्रकाश से भक्त बैठे हुए वो भी दर्शन कर रहे हैं भगवान का। संत खुद दर्शन करते हैं और भगवान का भक्तों का दर्शन है। मैं भी, पोता कहता है आज मैं भी दर्शन कर रहा हूं और मेरे प्रकाश से सब बैठे हुए भक्त ये भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बोले अद्भुत है संतों का जीवन, संतों का सत्संग ये जीवन बदल देते हैं। यों भी नीति पतितों का होता संतों से उद्धार, यों भी नीति पतितों का होता संतों से उद्धार, पोता से सब जग बार बार बलिहार, मिला यश पावन जैसे गंग, मिला यश पावन जैसे गंग, धन्य सतपुरुषों का संग, मिला यश पावन जैसे गंग, धन्य सतपुरुषों का संग। बोले धन्य ऐसे संतों का सानिध्य जो कहां से कहां पहुंचा देते हैं, तो ऐसे संतों का सत्संग हमें करते रहना चाहिए अपने जीवन कल्याण के लिए। इसलिए सद्गुरु टेवराम जी कह रहे हैं, श्रद्धा से सत्संग कर, भजन कर निष्काम, तेजन पाइए अमरापुर को धाम। बोलो सद्गुरु टेवराम जी महाराज की।
सदगुरु सर्वानंद जी महाराज की जय, सदगुरु शांति प्रकाश जी महाराज की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सतगुरु शिव राम जी महाराज की जय, ओम शांति शांति शांति। बोल गुरुदेव भगवान की जय, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम, अमरापुर के सुंदर श्याम रे सतगुरु स्वामी तुम राम, रघुनंदन जय घनश्याम, साखी शिव राम शिव सतचित आनंद शिव संत रतासिया शिव शिव जय जगदीश रे स्वामी, जय जगन्नाथ रे पिता जगतियनाथ रे, भक्त जनों के संकट सुन ले दूर करे, चोद्यावे पल पावे दुख न सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, पिता तुम मेरे शरण परम सुखी, तुम विनारण दो जा आस करो मैं जिसकी, तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर राम कल सोतम तुम सबके स्वामी, जगदीश रे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, रक्षा करता मोरत जल पानी, कृपा कर बरता
जगदीशरे तुम एक अगोचर सबके प्राणपति सबके प्राणपति सर दम लो गया मैं तुमको मैं तुमके दिन बंधु दुखार ताटा तुर तुम मेरे ओ अपने आप बढ़ाओ पार परम तेरे और से कार मिटाओ पाप अरो देवा ओ सरदा बात बढ़ाओ ओ संतन की सेवा ओ जो जगदीश की आरती प्रेम सहित गावे ओ कैत शिवानंद स्वामी मन बात कल पारे जनों के संकट बसी वाला दूर करे ओम जय गुरते वो राम स्वामी जय गुरते वो राम सतगुरते वो परोपकारी जग करदारी तुम पूरण का जब जब प्रेम निजित कारण तुमको पुकारा आपको पुकारा तब तब गुर अवतार धरे तुम सब को निस्तारा प्रेम के काशी मंडलाचार्य मंत्र सखी सतना गर्व सनातन के पुरचारक सनातन के कीर्तन थोड़ विदेश में फसली लेकर पावन दे उपदे पावन दे आत्म रूप लगाया सब तू हरिया ताप करे पौरण अतर सवारी तेरी सुन आसन भरे रूप मनोहर सुंदर लोचन लोचन देखत मन राजे आत्म ईश्वर वचन के पूरे योगी इंद्र जी ओ परम उदारी धीरज धारी परम अका के मती धन धन माद पिता कुल तेरा धन तब सार सुजा धन वाले सुजा तुम जन तब सब सुर नर मुनि जन हरि जन गुनि जन गा
न पाए सकी नर कोई तेरी न पाए सकी नर कोई तेरी मातरम करी जय जो जन तुमरी आरती गावे पावे सो मोती पावे सो मोती सार संगत को अरदम दीजे किरण पुर बाकी गुरु स्वामी जय गुरु पर तारी जगत उदारी तुम पूरण का गुरु सर्वानंद स्वामी जय गुरु सर्वानंद धर्म करम का दे उपदेश काटे अब के पंचो तुम दाता दीन दयालु सब के हितकारी शेष चार दानित गुण गारी भई माती मारी तन पर चोला गेर रंग का सिर पे जटा दारी कर कमलों में लाटी सोई नर नारी ओ अपने गुरु के वचनों को घर घर पहुँचाया घर घर पहुँचाया भोले भट्ट के दीन जनों को बार बुलाया जल जल तारण पार तारण तारण दे दारी देश विदेश में भ्रमण करके भक्ति फैलाई सोम शब्द का मंत्र देव मंत्र लेकर ज्योति निकलाई हजर अमर और अज अविनाशी घट घट के ज्ञाता घट घट के ज्ञाता कण कण में तुम सर्व व्यापक कण कण में प्रभु पूरण गुरुदाता परम उदारी पर उपकारी अमरापुरवासी अमरापुरवासी शरण तुम्हारी जो जन आवी शरण आपकी जो जन आवी पावे सुख राशि स्वामी देव राम जी गिर पापा गर तुम बता गुरु भक्त वन गुरु भक्ति का गुरु किया पुर पूरण गुरु की पूरी आरती जो पाप ताप संताप मिटा कर पूरण पद पावे ओम जय गुरु सर्वानंद स्वामी जय गुरु सर्वानंद मेरा सत्य गुरु सर्वानंद
करम करम पाते काटे यम के पंदुम सर्व स्वरूपम आदि अनुपम भूमि रूपम वैमाना रसिया राम मधायक दाप मुनि निज काम मंदिर बानी ओ पादर राम मुनि तिर काम मुनि देव राम मगुर ज्ञानी चावल चंदन भोगो के सर पूलो के नर कावर चाओ नर तिग पोप मेरी बात अगला चंदा सात बजाओ बर बर दीपक पूरण की अगर बनी रूप जराओ आदि जाय कर वाहन कर सतगुर की जय पार सुंदर सतगुर की जय पार बोलो गुरुदेव की जय आसवंदी गुर तो दर आई तुझ बिन डोर न काई रात पर दाता तुम हनुमाना मेरी यात पुजाई पाए पलो मैं तेरे प्यासी आय से तमन जाई राम तन मन धन अरदास करे मैं मांगत नाम सने राम नाम तुम्हारा सावन तरसा दोसा पाप सवे स्वामी गुर लोकते नवे आवागमन मिटाई केवल सनातन धर्म की जय राम कृष्ण भगवान की नारायण भगवान की गुरु स्वामी तेरा महाराज गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज गुरु स्वामी हरदास राम स्वामी जीवन मुक्त महाराज श्री गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की भारत माता की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम का अरे गंगे अरे माया लाल सभी चले बन जाओ तुम मेरे रख पारे Thank you.
किरण से हो जाए पल में सवेरा है संकटों ने स्वामी टी